तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको ऐसी तीन सेटिंग्स बताऊंगा फोन की जो आपका फोन कमाल का हो जाएगा। फोन नहीं रहेगा, स्मार्टफोन बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक सिंपल सा फोन, देखिए किस तरीके से अच्छी अच्छी डिजाइंस में इसकी एजेस आप देख सकते हैं। ऐसी सेटिंग्स आपको मैं आपको बताऊंगा ये कैसे। और ये इतना ही नहीं कि सिर्फ कोई लाइव वॉलपेपर है, ये लाइव वॉलपेपर नहीं है गाइस। यहाँ पर आप तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो फर्स्ट में है उससे ज्यादा एंड में है। और गाइज एंड तक जो तीनों ट्रिक है उसके जानने के बाद में आप बोलोगे वाह यार मजा आ गया। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो फटाफट, बहुत कमाल की चीज आज की वीडियो में। तो गाइज हमारी सबसे पहली ट्रिक ये है, आप इस फोन को ध्यान से देखो, कुछ नहीं दिख रहा होगा, एक वॉलपेपर लगा हुआ है, पीछे पहाड़ी ऐप और नीचे कुछ नदी टाइप में है और कुछ ऐप्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रुको, अभी देखना एक कमाल का जादू। जैसे मैं फोन को हिलाता हूँ इस तरीके से, कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नोटिस नहीं हुआ आपको? फोन की स्क्रीन को ध्यान से देखना है और जैसे जैसे मैं हिला रहा हूँ फोन को उस हिसाब से देखो, क्या आपको कुछ नोटिस हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे कि पीछे कैमरा चालू कर दिया गया हो और ये पीछे खाई जस्ट फोन के पीछे ही खाई हो। मतलब ये एकदम 3D इल्यूजन क्रिएट करता है। ऐसा जब भी आपका कोई फोन लेगा, और फोन लेगा तो भाई थोड़ा बहुत हिलेगा फोन, लेकिन जैसे हिलेगा तो वो देखता रह जाएगा आपको फोन की स्क्रीन को। दोस्तों वो वाला जो ऐप है वो ये है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। इसके बाद में आप इसे ओपन करिए, यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे आप इसे ओपन करोगे कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब आपको यहाँ पर प्रीमियम के लिए पूछेगा, आप नोट नाउ कर देना और इसके बाद में आपको बहुत सारे वॉलपेपर आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। और ये सारे के सारे 4D वॉलपेपर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रीव्यू कर लेते हैं इसका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू के अंदर बोल रहा है कि आप ऐसे अपना ये फोन हिलाइए, ये देखिए। दोस्तों ये दूसरे नंबर की जो ट्रिक है वो काफी अमेजिंग है, ये आप देख के आप भाई शॉक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा आप देखोगे जितने भी ऐप वगैरह मैसेजिंग ऐप है वो एक जगह ऑटोमेटिक आ गए हैं, मैंने नहीं किया भाई। यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं कुछ यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर सोशल ऐप्स सारी की सारी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। इसके बाद में आप यहाँ पर यूआई देखो भाई, ऐसी यूआई आपने कभी देखी नहीं होगी। अगर आपका दोस्त आ गया और ये यूआई देख के भाई वो तो शॉक हो जाएगा। तो गाइस ये सब मैंने कैसे किया इस, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डेट आ रही है और यहाँ पर टाइम आ रहा है और ये गोल चक्कर आ रहा है और यहाँ पर देखोगे एक ग्रुप भी बना हुआ है। इसके बाद में आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर देखिए मेन्यू आ जाएगा, सारी की सारी जितनी भी ऐप्स आपके फ़ोन में हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, है ना कमाल की UI। के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और इस ऐप में आप भाई ऐसा लुक पा सकते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है बातें करते, तो यहाँ पर चलिए अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन पे जस्ट क्लिक किया, उसके बाद में कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस आया। यहाँ पर हम कंटिन्यू का बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका इंटरफेस मिलेगा। मतलब होम पेज ऐसा दिखेगा और उसके बाद में ये आपके सारा ऐप दिखेंगे, जैसे जितने भी आपके फ़ोन में ऐप होंगे वो सारे ऐप ऐसे दिखेंगे जैसा भी बताया। और उसके बाद में आप इसे लिस्ट में भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, है ना काफ़ी कमाल का। तो इस तरीके से आप अपनी UI बना सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल करने के लिए भी दिया हुआ बटन, जैसे कॉलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट कॉलिंग वाले पर खुल जाएगा। तो गाइज अब सबसे खास ऐप जो कि आपको चौंका देने वाला है वो है ये एज लाइटिंग। मतलब ये जो किनारे होते हैं वो किस तरीके से जलेंगे, किस तरीके से एक कूल लुक आपके फ़ोन को दे सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई कर दो और कमेंट करो यार, कुछ कमेंट करो जो भी मन में है वो करो और लाइक बटन को ठोक दो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ पर लिखना है एड्स लाइटिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्स लाइटिंग लिखना है। उसके बाद में ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको इंस्टॉल करना है। चलिए मैं फटाफट से इंस्टॉल कर रहा हूँ, तब तक इंस्टॉल हो तब तक आप एक लाइक ठोक दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। हाँ सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो दोबारा मत दबाना उसको, ठीक है। अब चलिए ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में
यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपसे नहीं होगा। सेटिंग्स करना ज़रूरी है, इसके लिए ध्यान से देखो वीडियो, काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है ये, काफ़ी अमेजिंग ऐप है। तो यहाँ पर ओके के लिए करो, उसके बाद में यहाँ पर कुछ सेटिंग्स चालू करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर ऐप्स आ गई, तो यहाँ पर आप देखो एड्स लाइटिंग वाला ऐप कहाँ पर है, यहाँ पर मुझे दिख गया है एड्स लाइटिंग, इस पर क्लिक किया और ये मैंने यहाँ चालू कर दिया। देखो फटाफट ध्यान से देखो, बहुत अमेजिंग वीडियो है ये, और लाइक ज़रूर कर देना। ये मैंने चालू कर दिया, उसके बाद में पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पर कुछ ऐड आ गई यार, ऐड आ जाती है ये ज़रूरी आएंगी। तो यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ इसे, इसके बाद में देखिए हमारा ये चालू हो चुका है, जो भी परमिशन वगैरह दे रही थी। इसके बाद में यहाँ पर कस्टम एड्स लाइटिंग, इस पर चालू जाओ और यहाँ पर आप देखोगे ये एड्स ऑटोमेटिक, जो ये किनारा है वो ऑटोमेटिक चालू हो गया। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी अलग अलग कलर में ये लाइटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप चार कलर भी ले सकते हैं, चार कलर वाली लाइट भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ में ये डॉट डॉट वाली भी, जैसे लव वाले सिंबल वाली भी, ये ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। आप चाहो तो भाई आधी आधी चले, इस तरीके से चले, या फिर इस तरीके से चले, या फिर एक लाइनिंग में चले इस तरीके से, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेटिंग्स आप यहाँ पर मतलब कर सकते हैं। यहाँ पर एनिमेशन की स्पीड और तेज़ करनी है, कितनी तेज़ करनी है वो आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, काफ़ी कमाल की। और यहाँ पर इतना ही नहीं, अगर आपके फ़ोन में नोच है तो नोच के लिए भी वो चालू कर सकते हैं। बैक आकर यहाँ पर आप देखोगे शो ऑन नोटिफिकेशन, मतलब जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो ही ये जलेगी। अगर आप चाहते हो कि भाई 24 घंटे ये चलती रहे, तो मतलब जब भी फोन की स्क्रीन चालू रहे तब ये चलती रहे, तो यहाँ पर ये ऑलवेज डिस्प्ले ओवरले दी अदर एप्स, ये है ना, इसको चालू कर दो भाई। जब भी आपका फोन रहेगा, जब भी आप इसे अनलॉक करोगे तब ये स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि जब भी मैं चार्ज लगाऊं उसी टाइम में हो, तो इसको चालू कर दो। जब आप चार्ज लगाओगे, जैसे चार्ज कनेक्ट करोगे, देखो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, लाइट नहीं आ रही, जैसे चार्ज लगाओगे तो ये इस तरीके से लाइटिंग चलने लग जाएगी।